पार्टी जोरों में होती है और म्यूजिक पे सब शराब पीते पीते मस्त हो रहे हैं। एडम अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी एंजॉय कर रहा है, तभी उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि वो स्कूल टाइम के अच्छे दोस्त थे। एडम, जिसके डैडी एक सेलिब्रिटी है, उनका ग्रेट स्कॉट नाम का शो बहुत पॉपुलर है। एडम खुद एक बड़े शो पे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा है। उसके लिए पार्टी कोई नई बात नहीं, मगर वो लड़की जिसका नाम एमा है, उसे ऐसी पार्टी में देखकर एडम को आश्चर्य होता है, क्योंकि एमा एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लड़की है जिसे पार्टी में जाना पसंद नहीं। वह एक हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर है। दोनों बहुत साल के बाद मिल रहे हैं। एडम एमा को देखते ही कहता है कि वह उसे पहले भी पसंद करता था और आज भी पसंद करता है। एमा, जो रिलेशन और प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, एडम की बातों को कैजुअली लेती है। उसके हिसाब से रिलेशनशिप हमेशा टूटते ही है, इसलिए इंसान को सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहिए, रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। मगर एडम का सच्चा स्वभाव उसे भा जाता है और वो उसे कल होने वाले एक फंक्शन पे इनवाइट करती है। एडम को पता नहीं होता कि वो किस तरह का फंक्शन है, इसलिए वो फॉर्मल पहन के जाता है। मगर वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो एमा के डैडी के अंतिम विधि का फंक्शन है। एडम यह देख के थोड़ा शॉक होता है कि एमा अपने डैडी की मौत को इतना कैजुअली कैसे ले सकती है। एमा अपनी माँ और सिस्टर से एडम को मिलाती है। उन्हें लगता है कि वह एमा का बॉयफ्रेंड है और वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मगर एमा उन्हें बताती है कि हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बातों पे एडम रिएक्ट नहीं करता, मगर वह फंक्शन खत्म होने तक उसकी फैमिली के साथ रहता है, जो एमा को अच्छा लगता है। एडम एमा से फिर से मिलना चाहता है, मगर एमा मिलने से मना करती है, क्योंकि वह किसी में इमोशनली इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। एडम बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। एक साल गुजरता है। एडम अपने दोस्त एलाय और वॉलेस के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि उसकी मुलाकात फिर से एमा से होती है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। एडम असिस्टेंट डायरेक्टर से राइटर बनना चाहता है। उसने सीरियल के कुछ एपिसोड लिखे हैं जो वह शो के डायरेक्टर को दिखाना चाहता है, जो थोड़ी मूडी है। एडम सोचता है कि स्क्रिप्ट डायरेक्टर को देने से पहले क्यों ना उसके डैड को दिखाया जाए, जिनको इस फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस है। इसलिए वह उनके घर चला जाता है। एडम और उसके डैड अलविन के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप है। एडम के डैड और माँ का बहुत साल पहले ही डिवोर्स हो चुका है, फिर भी एडम अपने डैड के रेगुलरली टच में है। अलविन भी अपने बेटे को बहुत पसंद करते हैं। तो एडम जब अपने डैड के बंगले पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वैनेसा के साथ रिलेशन में है और उससे शादी करना चाहते हैं। यह देख के वो बहुत शॉक होता है और वह अंदर से हर्ट होता है। उस दुख में वह बहुत शराब पीता है और रास्ते पे ही बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब वह आंखें खोलता है तो वह एमा के घर होता है। एमा उसे बताती है कि नशे में तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम डेस्परेटली मुझसे मिलना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें मेरा एड्रेस टेक्स्ट किया और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें यहाँ छोड़ा। वह उसे बताती है कि नशे में तुम कल रात कपड़े निकाल के डांस कर रहे थे। एडम अपने बर्ताव के कारण बहुत शर्मिंदा होता है। एमा उसे बताती है कि वह दिल का बहुत सच्चा है, इसलिए उसने ये बर्ताव किया। बातों बातों में एमा एडम के क्लोज आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दोनों वो एक्सपीरियंस एंजॉय तो करते हैं, मगर एडम की एक फितरत है कि वह हर लड़की जिसके साथ वो इंटीमेट होता है उससे इमोशनल होके अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है, और एमा यही नहीं चाहती, इसलिए वो उससे कहती है काम खत्म बात खत्म, यह बात यही पे खत्म। वो उसे कहती है कि हम इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करेंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे, जिसे एडम कबूल करता है। एडम अपने खास दोस्त एलाय को इमोशन में आके बताता है कि वह एमा के साथ इंटीमेट हो चुका है, मगर वह यह बात किसी को ना बताए। मगर एलाय वह बात वॉलेस को बताता है। एलाय एडम को उकसाता है कि भले एमा उसे रिस्पॉन्स ना दे, मगर उसे पहल करके एमा से मिलना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। उसकी बातें सुनकर एक दिन एडम एमा को मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है और साथ में एक रोमांटिक बलून लेके जाता है। उसे हॉस्पिटल देख के एमा शॉक होती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वह फिर से कभी नहीं मिलेंगे। वह उसे मिलने की वजह पूछती है तो वह बोलता है वह उससे मिलना चाहता था। एमा को यह सब चीजें पसंद नहीं। वह किसी भी तरह के रिलेशन में अटकना नहीं चाहती, क्योंकि वह इमोशनल रिलेशंस मेंटेन करने में बिलीव नहीं करती। उसे इन सब की एलर्जी है। वह उसे कहती है कि हम सिर्फ फ्रेंड बन के रह सकते हैं। एडम इस बात को मान जाता है। एमा की दोस्त पैट्रिशिया उसे कहती है कि तुम्हें अच्छे लड़के मिलते हैं और तुम उन्हें ठुकराती हो, और मैं ऐसे लड़कों के चक्कर में फंसती हूँ जो मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एडम की तारीफ करती है
और कहती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड मिलना नसीब है। अब एमा उसके बातों में आकर एडम को मिलने उसके घर जाती है। दोनों इंटीमेट होते हैं। एमा एडम को बताती है कि हम फिजिकल रिलेशन रखेंगे मगर एक दूसरे में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम दोनों के बीच किसी प्रकार की भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगी। हम सिर्फ एक दूसरे को एंजॉय करेंगे। एमा एडम को रिलेशनशिप के रूल्स बताती है। हम फाइटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और जलेंगे भी नहीं। एडम यही चाहता है कि एमा उससे मिलती रहे, इसलिए वह उसके रूल्स और ऑफर को हाँ कर देता है। मगर जाते जाते एमा को बताता है कि अगर तुम मुझसे मिलती रही तो मुझसे प्यार करने लगोगी। एमा उससे कहती है कि जब कभी ऐसा होगा तो वह उनके रिश्ते खत्म करेगी। एडम उससे कहता है कि भले वो रिश्ता खत्म करे मगर वह उसके साथ रिश्ता कभी खत्म नहीं करेगा। अब जब भी एमा को काम से वक्त मिलता है वह एडम के साथ इंटीमेट होती रहती है। कभी कार में, कभी हॉस्पिटल की रूम में, कभी एडम के घर, कभी उसके घर, तो कभी लॉकर रूम में। दोनों अपनी ये अलग सी रिलेशनशिप अब एंजॉय करने लगते हैं। मगर एक दिन एडम एमा को उसके कलीग के साथ देख के जेलस होता है। एमा एडम को बताती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तो मुझे अपना समझने की गलती मत करो। एमा का कलीग एडम को बताता है कि एमा के लिए तुम सिर्फ एक फन हो। जब यह खत्म होगा वह मेरे पास आएगी क्योंकि मेरे पास अच्छा जॉब है, मैं सेटल हूँ। तुम्हारे पास यह सब कुछ नहीं है। मैं वह मर्द हूँ जिससे वह शादी करना चाहती है। तुम सिर्फ टाइम पास हो। उसकी बातों से एडम बहुत हर्ट होता है। अब एडम भी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, तो वह अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने सीनियर लूसी को देता है ताकि वह डायरेक्टर को दे सके। यहाँ एमा की सिस्टर केटी आके एमा से कहती है कि वह शादी कर रही है। वह उसे यह भी बताती है कि उनकी माँ ने भी नया बॉयफ्रेंड पकड़ा है। केटी की बातें सुनकर एमा शॉक होती है। अब एमा को अपने अकेलेपन का और एहसास होने लगता है। एमा अपने पीरियड्स में एडम से मिलना नहीं चाहती, तो वह सीधा उसके घर आता है। एडम उसे अपने फेवरेट सॉन्ग्स की सीडी गिफ्ट करता है और उसे सूप पिलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम एमा को सिर्फ फन की नज़र से नहीं देखता बल्कि उसकी केयर भी करता है। एडम को इतना क्लोज आते देख के एमा टेंशन में आती है। वह एडम से कहती है वह कुछ दिनों के लिए उससे मिलना छोड़ दे और दूसरी लड़की के साथ डेट करे और वह भी किसी और के साथ एंजॉय करेगी। उसकी बातें सुनकर एडम अंदर से दुखी होता है मगर वह बिना कुछ दर्शाए वहां से चला जाता है। अब एमा और एडम को बिना मिले 2 हफ्ते हो जाते हैं। दोनों अपने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में कहते हैं तो वह उन्हें सलाह देते हैं कि दोनों को पार्टी में जाकर चेयर अप करना चाहिए। दोनों अलग अलग पार्टी में जाते हैं मगर वहां भी दोनों एक दूसरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। एडम पार्टी में मिली 2 लड़कियों के साथ अपनी फोटो निकाल के एमा को भेजता है जिससे एमा डिस्टर्ब होती है और बहुत शराब पीती है। वह आसपास देखती है तो सब अपने पार्टनर के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ एमा ही अकेली होती है। वह चीज उसे फील कराती है। वह एडम को फोन करती है। फोन पे लड़कियों की आवाज सुनकर वह और डिस्टर्ब होती है। अब वह एडम के घर की ओर चल पड़ती है। यहाँ एडम पार्टी में से उन 2 लड़कियों को अपने घर लेके आता है। एमा नशे में एडम के घर पहुंचती है और हंगामा करके उन 2 लड़कियों को वहां से भगाती है। लड़कियों के जाने के बाद वह बेड में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ एडम के बर्थडे के दिन सीरियल के क्रू मेंबर पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में उसके डैड भी आते हैं जिससे एडम खुश होता है। इतना होने के बावजूद वह अपने डैड को माफ करने को तैयार नहीं। उसके डैड शाम को उसके बर्थडे के मौके पे उसे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। एडम एमा के साथ वहां पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहे हैं। वह सुनके वह गुस्सा होता है। जिस लड़की के साथ उसके फिजिकल रिलेशंस रह चुके हैं उस लड़की को उसके डैड उसकी माँ बनाने जा रहे थे। एमा वैनेसा से कहती है कि एडम को छोड़कर किसी और को चुनना यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, भले वह शख्स उसके डैड ही क्यों ना हो। नो वन लाइक एडम। एमा की बातें सुनकर एडम दिल ही दिल में खुश होता है। एडम और एमा फूड कोर्ट जाके डिनर करके एडम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब एडम एमा को डेट के लिए पूछता है। नाना करके आखिर एमा डेट के लिए तैयार हो जाती है। वह दोनों वैलेंटाइन डे के दिन डेट पे जाने का तय करते हैं। आखिर वैलेंटाइन डे के दिन दोनों मिलते हैं। एमा एडम को वैलेंटाइन कार्ड देती है जिसमें उसने एडम को लिखा हुआ होता है, तुमने मेरे दिल का धड़कना बंद किया। वह सुनके एडम बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। एडम एमा को कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है और एमा भी पहली बार कहती है कि वह भी एडम को बहुत पसंद करती है। एडम अपने दिल की बात एमा के सामने रखना चाहता है मगर अंदर से डरता है कि वह सुनके एमा कहीं उसे छोड़ ना दे, इसलिए वह अपने दिल की बात दिल में ही दबाता है। एडम के साथ घूमते घूमते अब एमा फील करने लगती है कि वह एडम में इन्वॉल्व हो रही है, जो वह नहीं चाहती।
वह एडम को कहती है कि वह उसे उसके हॉस्पिटल छोड़े, मगर एडम उसके साथ और वक्त गुजारना चाहता है। एमा एडम को कहती है कि वह उसके बारे में सोचना बंद करे और किसी और लड़की से इश्क लड़ाए और उसे डेट पे लेके जाए। एडम उसे कहता है आई लव यू। अब एमा उस पर गुस्सा करती है, जिस बात से वह डरती थी वही एडम उससे कर रहा था, यानी प्यार। एडम एमा को उसके हॉस्पिटल छोड़ता है। वह गाड़ी में एमा को बताता है कि वह उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, इस तरह का बनावटी रिलेशनशिप उसे मंजूर नहीं। एमा भी वही चाहती है कि अब वो दोनों मिलना बंद करें, यही उनके लिए बेहतर है। इस बार एमा एडम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ एडम घर पहुँचता है तो वहाँ लूसी उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे गुड न्यूज़ देती है कि उसकी स्क्रिप्ट नेक्स्ट एपिसोड के लिए अप्रूव हुई है। अब वो फुल टाइम राइटर बन चुका है और उसे इस बात का अच्छा पेमेंट मिलेगा। उसकी बात सुनकर एडम बहुत खुश होता है क्योंकि मीडिया में राइटर बनना यह उसका सपना था। वह लूसी को थैंक्स कहता है। अब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं। यहाँ एमा एडम को नहीं भुला पाती, वह हर पल उसके बारे में सोचती रहती है। एक दिन एमा अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी सिस्टर की शादी के लिए जा रही होती है। गाड़ी में उसकी माँ उसे कहती है जिंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला होना जरूरी है, उससे लाइफ इजी हो जाती है। जो हमें खुशी दे उसका हाथ पकड़ना जरूरी है क्योंकि जिंदगी का सफर अकेले तय नहीं होता। माँ की बातें सुनकर एमा सोच में पड़ जाती है। यहाँ एडम के एपिसोड शूट होना शुरू होते हैं। सब उसके राइटिंग की तारीफ करते हैं। भरे पार्टी में लूसी एडम को आके कहती है कि डायरेक्टर को उसकी राइटिंग पसंद आई है और अब उसे रेगुलर बेसिस पे अच्छा पेमेंट मिलता रहेगा। लूसी की बातों से एडम बहुत खुश होता है। अब कुछ हद तक वह जिंदगी में सेटल हो गया था। एडम के दोस्त एडम से कहते हैं कि क्यों ना वह लूसी को पटाता है, वह उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, मतलब उसके दिल में एडम के लिए कुछ तो फीलिंग है। यहाँ एमा की सिस्टर उससे उसकी खामोशी की वजह पूछती है तो एमा उसे बताती है कि वह हर पल एडम के ख्यालों में ही खोई रहती है। वह दिल का इतना अच्छा है कि उसके बारे में सोचे बगैर रह ही नहीं जाता। अब केटी मोबाइल एमा के हाथ थमा के उसे कहती है कि वह तुरंत एडम को फोन करे और उसे अपने दिल की बात बताए। एमा एडम को फोन करती है और कहती है कि वह उसे मिस कर रही है, मगर एडम जान जाता है कि क्या बात है। वो एमा को बताता है कि तुम्हारे आसपास सब खुश है मगर तुम खुश नहीं हो और इसलिए तुम्हें मेरी याद आई, मगर हमारे बीच कभी कोई बॉन्डिंग थी ही नहीं, तो उसके टूटने का क्या गम, बेटर हम एक दूसरे से ना मिले। तुम अपने सिस्टर की मैरिज एंजॉय करो और मुझे अकेला छोड़ दो। एडम की बातें सुनकर एमा का दिल टूट जाता है, मगर इस सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। केटी उसे कहती है कि अगर तुमने तोड़ा है तो तुम्हें ही जोड़ना होगा। एमा गाड़ी लेके एडम के घर की ओर चल पड़ती है। एडम लूसी का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपने घर लेके चलता है। वहाँ एमा एडम के घर पहुँच जाती है तो वह देखती है कि एडम के साथ कोई और लड़की है। वह झाड़ियों में चुप जाती है। वह जान जाती है कि एडम की जिंदगी में और कोई आ गई है। अब एडम के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। बहुत देर हो चुकी है। वो रोते हुए वहाँ से निकलती है। यहाँ एडम लूसी के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है कि उसे फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाता है। फ़ोन वेनेसा का होता है। वह एडम को बताती है कि उसके डैडी हॉस्पिटल में भर्ती है। एडम हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे पता चलता है उसके डैडी ने कफ सिरप का ओवरडोज लिया है, जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ है। वेनेसा एडम से कहती है कि उसे किसी पार्टी में जाना है और उसके बूढ़े बाप की वजह से वह अपनी रात स्पॉइल नहीं करना चाहती। इन शॉर्ट वह एडम के डैडी की दौलत और शोहरत से प्यार करती रहती है। उसे उनकी देखभाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एडम अपने डैडी से मिलता है। एडम को देख के उनके चेहरे पे स्माइल आती है। एडम उनसे कहता है कि वेनेसा उनको छोड़ के गई है। उसके डैडी उसे कहते हैं हम जिस लड़की से सच्चा प्यार करते हैं उसे हम पाते नहीं हैं और जिंदगी को मिजरेबल बनाते हैं। वह उसे कहते हैं कि उसे एमा से बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल से नीचे आने के बाद एडम एमा को फोन करता है और उसे कहता है कि अगर वह सचमुच उसे मिस कर रही है तो उसे पर्सनली आके उससे मिलना चाहिए। एमा उसे कहती है कि वह तो उसके सामने ही है। एडम नज़र उठा के देखता है, एमा सामने ही होती है। दरअसल वह उसके डैड को देखने आई थी। वह एडम से कहती है कि भले वह कितना भी प्यार से भागे, इनकार करे, मगर सच यही है कि वह उससे प्यार करती है और उसकी जगह उसके पास ही है। एडम उससे कहता है कि अगर इस बार वह उसके पास आई तो वह उसे कभी अपने से दूर नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं फिर कभी जुदा न होने के लिए। मूवी यहाँ ख़त्म होती है।